हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लाउज। तो ब्लाउज की जो स्टिचिंग है, जो कटिंग है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हमने इस ब्लाउज को बनाया है। तो यहाँ पे इसका फ्रंट और बैक देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। और किसको इसको सिलना किस तरीके से है वो हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने लाइनिंग की कटिंग करके रख ली है। और ये हमारे पास है कपड़ा, ये करीबन 80 सेंटीमीटर के करीब कपड़ा है जिसकी हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमने अगले वाले पार्ट इसके कट करके रख लिए हैं और पिछला पार्ट भी हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए वी जो आगे से नेक है इसका, इनका गला जो है वो वी में है। तो इस तरह से हमने गला वगैरह सब कुछ इसका कट करके रखा है। और आगे का जो लाइनिंग लगती है ना, वो डबल वाली लगती है। अगर हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें डबल लाइनिंग लगाएंगे, इनके अस्तर जो है वो डबल, यानी कि दो लेयर लगेंगी उसकी। तो यहाँ पे पहले हम कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हम अगले वाले पेज की इसकी कटिंग करेंगे और पिछले वाला जो साइड में है उसकी हम यहीं से इसके पास से कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम जल्दी से इसको कट कर लेते हैं और फिर आगे का प्रोसेस है आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको कट करने के बाद फिर हम पिछला जो पेज है उसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से नॉर्मल जिस तरह से हमें ये रखा हुआ है इसके ऊपर हम बिल्कुल बराबर ही इसके इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारे आगे के जो फ्रंट हैं वो हमारे कट चुके हैं, दोनों हमने एक साथ कट कर लिए हैं। अब हम पीछे का बैक जो है वो इसमें इधर की साइड से निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका बैक निकाल लिया, इस पर हमने निशान लगा लिया था पहले ही। तो ये हमारा बैक हो गया। और इसमें से हम निकालेंगे नीचे की, जो हमने नीचे बेल टाइप में लगाई है पट्टी, उसकी हम इसमें पट्टी निकाल लेंगे। तो जितनी चौड़ी हमें इसमें चाहिए, करीबन हमें 2 इंच चौड़ी चाहिए, तो हमें इसमें से करीबन 5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। तो इसको हम डबल करेंगे और 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा मार्जिन में, आधा आधा इंच के हिसाब से। तो इसलिए हमने ये 5 इंच की पट्टी कट कर ली है। तो अब आ गए हैं अपनी मशीन पर। तो यहाँ से हम इसकी जो सिलाई है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पट्टी थी, इसको हम साइड में रखते हैं अभी, और जो हमारे आगे वाले पेज हैं उनको हम सिल लेंगे। ये हमारा बैक हो गया और ये हमारे फ्रंट। तो पहले हम फ्रंट वाले लाइनिंग के साथ में ज्वाइन करके सिल लेंगे इस तरह से। तो एक लाइनिंग हम इसमें इसके साथ ही जोड़ेंगे और एक लाइनिंग हम इसमें अलग से, जब हम इसमें पफ लगाते हैं इनके ब्लाउज में, जो पैरेट वाला ब्लाउज बनाते हैं उसके लिए जोड़ेंगे। तो ये तो हम इसके साथ में जोड़ेंगे जिससे कि हमारे जो धागा होता है ना वो ना निकले कपड़े का, इसलिए लाइनिंग लगाना वैसे भी ज़रूरी है। इसमें एक लाइनिंग से भी काम चल सकता था क्योंकि काफ़ी कपड़ा जो है वो काफ़ी मोटा था, काफ़ी हैवी है, लेकिन मुझे फिर भी इसमें लाइनिंग लगानी थी तो मैंने यहाँ पे डबल लाइनिंग ही इसमें लगाई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने आगे का इसमें वी शेप में इस तरह से सिल लेंगे और इसको बीच से खोल के इस पर सिलाई लगा लेंगे फिर हम इस तरीके से। तो ये हमने बीच में से खोल के इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसका फोल्ड करके आगे इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों अस्तर एक साथ जोड़े हैं अगले वाले गले में। तो आगे की साइड जब हमारे दोनों एक साथ आ जाएंगे तो पीछे वाला हम उसमें अलग अलग करके ज्वाइन कर देंगे, यानी कि जो हमारे साइड वाले पेस हैं उसमें हम अलग अलग, एक तो हम लाइनिंग के साथ ही अस्तर ज्वाइन करेंगे और एक अस्तर हम अलग से, यानी कि जो हमारी लाइनिंग है वो हम अलग से जो लाइनिंग के साथ लाइनिंग ही ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो गई है, इसके हमने ऊपर से लंबी चाल करके सिलाई लगा ली। आप इस पर तुरपन भी कर सकते हैं सुई के द्वारा, या फिर आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे बीच से। तो ये हमारा वी में जो नेक है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन ना भी करें तो भी चल जाएगा कि आगे अगर आप उसमें हुक लगाना चाहते हैं या फिर नीचे से जैसे सुई से टक कर देते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइनिंग इसमें ज्वाइन कर ली है ये इस तरीके से। तो ये हमारा साइड वाला पेस जुड़ गया है। ऐसे ही हम दूसरी साइड का पेस इसमें ज्वाइन कर लेंगे।
तो इसमें हम एक लाइन के साथ ही ज्वाइन करेंगे। हमने अगले वाले पेज में दोनों लाइनिंग एक साथ ज्वाइन की थी, लेकिन हम इसमें जो है ना वो एक लाइनिंग के साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा वाला जो है वो हम अलग से दूसरी लाइनिंग के साथ बस खाली जो ब्लाउज के पफ लगाएंगे तब ज्वाइन करेंगे। अगर आप ब्लाउज के पफ लगाना सीखना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको ब्लाउज के जो दूसरा वाला उनके उसमें पफ लगाने सीखने हैं तो आप हमको बता सकते हैं। पहले मैं इसको पट्टी को ऐसे ही लगा रही थी, यानी कि डबल करके, फिर मैंने सोचा शायद कपड़ा ये जो है ना वो थोड़ा चुभेगा, तो मैंने इसमें पीछे भी इसमें लाइनिंग लगा दी है। तो यहाँ पे हमारी जो पट्टी है वो बनकर तैयार है। तो इस पर हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा इस तरीके से जो हमारी बेल्ट है नीचे की वो बनकर तैयार है। अब हम इसे ब्लाउज में ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे पहले हम इसे पफ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी दोनों लाइनिंग आपको दिखाई दे रही, एक लाइनिंग हमारी ऊपर की साइड है और एक लाइनिंग हमारी जो अगले वाला पेज है उसमें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज के पफ हमने लगा लिए हैं, अब हम इसको नीचे से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, यानी कि सिल लेंगे। और इसको सिलने के बाद फिर हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो बेल्ट लगाने से पहले हम इसका पीछे वाला पेज भी तैयार कर लेंगे इस तरीके से। इसको मैं उल्टी साइड से इसलिए इस पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला पेज बनकर तैयार है। अब हम पीछे वाले पेज को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी पट्टी जो है ना जो हमने बेल्ट बनाई थी वो नीचे की साइड इस तरीके से आ जाएगी। तो उससे पहले हम पिछले वाले पेज को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पिछले वाले पेज पे भी इस तरीके से हम इसको अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। तो पिछले वाले पेज में जो है वो सिंगल लाइनिंग ही लगेंगे, सिंगल अस्तर ही काम कर जाएगा, उसमें डबल की ज़रूरत नहीं है। आगे में डबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें पैडेट लगे होते हैं, तो एक जो लाइनिंग है वो तो पैडेट के साथ ही ज्वाइन हो जाती है और एक लाइनिंग जो हमारा कपड़ा है फैब्रिक है उसके साथ में ज्वाइन हो जाती है। तो पीछे कोई इसमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक लाइनिंग ही काफ़ी है जो हमारे फैब्रिक के साथ में ज्वाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसमें भी इस तरह की सिलाई लगा ली है। आगे से हमने फोल्ड करके रखा है जो हमारा नेक है, इसमें हमने पीछे वी में रखा है और डीप में रखा है, थोड़ा काफ़ी नीचे तक ही रहेगा, बस नीचे जो हमारी बेल्ट है बस वो ज्वाइन होगी। जैसे हमने अगले वाले में रखा है, अगले में हमारे करीबन 2 इंच ऊपर है इसका नेक, और लेकिन पिछला वाला क्या है हमें बिल्कुल नीचे तक ही इसमें पीछे का जो वी में है वो नीचे तक रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से अपने नेक के ऊपर जो हमारा गला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। आप इस पर थ्रोपन भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे हमारे दोनों जो हिस्से हैं वो बनकर तैयार हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा कुछ इस तरीके से वी में इसमें नेक आ जाएगा। नीचे हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो नीचे का जितना बेल्ट वाला हिस्सा है वो हम इतना इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लिया था ताकि हम उसको फोल्ड कर सकें। तो ये देखिए अब हमारा जो हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे दोनों के जो ऊपर से मुड्ढे हैं यानी कि जो तीरा है उसको ज्वाइन कर लेंगे, अगले और पिछले वाला एक साथ इसको ज्वाइन करके फिर हम इसमें साइड से सिलकर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने से पहले हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे, जो हमें फ़िटिंग रखनी है एक्जैक्ट जो हमें फ़िटिंग रखनी है उसके बाद ही हम इसे बेल्ट लगाएंगे। अब इसमें पहले भी लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें बेल्ट अलग अलग कट करनी पड़ेगी। तो हमको इस तरह से नहीं रखनी है, पहले हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी बेल्ट इसमें ज्वाइन करेंगे जितनी हमें इसमें बेल्ट रखनी है। ये पिछले वाले जो पीछे का जो हिस्सा है उसमें हमने प्लेट्स नहीं डाले थे, तो पीछे हम 2 प्लेट्स डाल देंगे छोटे छोटे। आप नहीं भी डाल सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बिना प्लेट्स का भी बना सकते हैं, वो भी कंफर्टेबल ही रहेगा। तो लेकिन मैंने यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्लेट्स डाल दिए हैं।
अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे यानी कि इसकी फिटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से जो हमें फिटिंग रखनी है वो रखेंगे। पहले हम इसके बाहर की साइड से सिलाई लगाएंगे, जितना हमें रखना है। तो ये ब्लाउज क्या हुआ कि पहले जिनकी नाप से बनवाया था, जिनकी नाप का मैंने कटिंग किया था, तो उन्होंने फिर दूसरे का बनवा दिया, इनके थोड़ा छोटा बनवा दिया, तो इसलिए मुझे थोड़ा ये कट करना पड़ा। अब मैं इसको अंदर वाली साइड से फोल्ड करके ऊपर पहले एक सिलाई लगाई, अब अंदर वाली फोल्ड करके फिर मैं इस पर जो हमारी नाप है, एग्जैक्ट जो नाप है वो रखेंगे जो हमें रखनी है, यानी कि जो हमारी फिटिंग हमें रखनी है। अब हम उसकी स्लाइस भी लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी सिलाई थी ना, जितना भी हमारा जो अगर धागा निकलता है तो वो नहीं निकलेगा, अब हमारी सिलाई अंदर आ गई, तो इसको बोलते हैं चोर सिलाई, यानी कि जो अंदर आ जाती है दिखाई नहीं देगी, वो हो गई हमारी चोर सिलाई। अब हम इसके ऊपर जो हमारी बेल्ट है ना वो लगाएंगे। तो पहले हम इसको नाप के देख लेंगे कि हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल एक्जैक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग बिल्कुल सही बैठी है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और इसके भी हमें जो मुड्डे हैं ना वो भी बनाने हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे इसको डेकोरेट कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारी बेल्ट है उसमें ये हमारी जो लैस है ना वो दब जाएगी, तो इसलिए पहले हम इसमें ये जो लैस है बारीक वाली इसको लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं समोसे वाली लैस, और इससे ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगने वाला है, क्योंकि अभी ब्लाउज जो है ना बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है कि बहुत ही सिंपल ब्लाउज है। अब हम इसमें इस तरह से लैस लगा के इसको डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम इसके जो नेक है आगे का और पीछे का उस पर भी लगाएंगे, और जो हमारे स्लीव्स हैं उस पर भी लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो हमारा नीचे की बेल्ट है ना तो उस पर भी हम इसको डेकोरेट करेंगे लैस के द्वारा। उस पर भी हम थोड़ी सी लैस मतलब उसके चारों तरफ लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा जो ब्लाउज है ना वो बहुत ही सुंदर लगे। तो यहाँ पर देखिए हमने वी शेप में आगे की साइड इस तरीके से रखी है ताकि ये अच्छा सा लुक दे। इस तरह से करते हुए हम इसको पीछे की साइड ऐसे ही ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी लैस ये कंप्लीट हो गई है, इसको हम कट कर लेंगे। तो अब दिखाते हैं हम अपना ब्लाउज का जो नेक है ना वो गला है वो किस तरह से लग रहा है। देखिए ये आगे से और ये पीछे से, ऐसे ही हम इसकी स्लीव्स पे भी लगा लेंगे। और जो नीचे का हमारी बेल्ट है, देखिए इस तरह की बेल्ट है, तो इस पे भी हम लैस लगाएंगे। तो पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे लैस लगाएंगे। तो ये हम करीबन एक इंच आगे की तरफ रखेंगे पट्टी, जिससे कि हमारे हुक और आई इसमें लग जाएं। ऐसे ही हम इधर रखेंगे और ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड भी रखेंगे, और इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे इस तरीके से आगे से पीछे तक। तो देखिए अब हम इसके हमारे जो बेल्ट है वो लगकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से लैस लगा देंगे। तो ये हम इधर से स्टार्ट करेंगे और हम इसको घुमा के फिर दूसरी वाली साइड भी ले आएंगे। यहाँ से इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो लैस है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, और इस तरह से हम इसको पूरे ब्लाउज को डेकोरेट भी हो जाएगा हमारा, और जो हमारी लैस है वो कामयाब भी हो जाएगी, और इससे हमारा ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की लैसें पड़ी होती है ना तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं लैस लगा के दिखा रही हूँ आप वही लैस लगाएं, इसके अलग भी आप कोई सी भी लैस लगा देते हैं उससे भी बहुत ही सुंदर आपका ब्लाउज लगेगा। कुछ लैसें चल रही हैं लटकन वाली, बहुत ही सुंदर सुंदर लैस चल रही हैं आजकल, तो आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत प्यारी लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ इस तरह से बॉर्डर सा बन गया है, जिससे कि हमारा ब्लाउज में इसमें चार चांद लग गए हैं।
इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने अलग से ये बॉर्डर बना के लगाया है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी जो वीडियो है ना वो आपको कैसी लगती है, जो हमारे बताने का तरीका है, जो हमारे ब्लाउज सिखाने का तरीका है वो आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पसंद नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो भी इसमें कमी लगती है, जो भी कमी दिखाई देती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है और अब हम इसकी जो स्लीव्स है ना उस पर भी इस तरह का ही बॉर्डर लगा देंगे दोनों साइड, और जो हमारे पीछे का बैक है उसमें हम हुक आई कर देंगे, हुक और आई दोनों चीज़ लगा देंगे और इसमें हम डोरिया लगा लेंगे। अगर उनको कंफर्टेबल है, अगर वो डोरिया लगवाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगवाना चाहते तो आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, तो उससे भी आपका ब्लाउज जो है ना वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और डोरी लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसमें लटकन जो है वो बना के लगाइए कपड़े की, बहुत ही प्यारी प्यारी लटकनें चल रही हैं आजकल। अगर आप लटकन बनाना भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं डालती रहती हूँ बीच बीच में लटकनों के डिज़ाइन भी, लेकिन आपको कुछ अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो इसी के साथ अभी हम आपसे विदा लेती हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए ब्लाउज के साथ। तो मेरा जल्दी ही जो फ्रंट हुक वाला ब्लाउज़ है, आपने कमेंट करके बताया था कि हमें वाला ब्लाउज़ चाहिए, उसमें लूज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो वीडियो पसंद आए। तो इसी के साथ अभी आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।